हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो वीकली टेक न्यूज़, जहां पे मैं आपको हर संडे को शाम को 6 बजे पूरे हफ्ते की टेक न्यूज़ जो है आपको देता हूं। तो गाइस, फटाफट से बिना किसी टाइम वेस्ट किए इस हफ्ते की टेक न्यूज़ के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो न्यूज़ आ रही है वो है LG की तरफ से। तो गाइस, फाइनली LG जो है अपने एक बजट फ़ोन को इंडिया में रिलीज़ करने वाला है। 26 जून को जो है अमेज़ॉन पर ये ऑफिशियली रिलीज़ होने वाला है। और मैं आप लोगों को बता दूँ, LG एक ऐसी ब्रांड है इंडिया के अंदर जो हमेशा से जो है अंडररेटेड रही है, क्योंकि उसका जो प्राइस सेगमेंट होता है वो काफ़ी ज़्यादा हाई रहता है एज़ कम्पेयर टू अदर फोन्स। लाइक उसी प्राइस रेंज में, कम प्राइस में जो है लाइक Xiaomi, Samsung इस जैसी ब्रांड जो है, चाइनीज ब्रांड जो है, वो अच्छे अच्छे फोन बना के दे देती है। लेकिन LG जो है उस तरीके का मार्केट इंडिया में स्टैब्लिश नहीं कर पाया है। तो इसलिए जो है LG ने अब फाइनली एक बजट फोन बनाने की तैयारी कर ली है और 26 जून को जो है वो फोन रिलीज करने वाला है। अगर मैं इसकी स्पेसिफिकेशन बता दूं तो वो भी जो है आपको बजट वाली स्पेसिफिकेशन है। जैसे इसमें आपको स्नैपड्रैगन 436 मिलेगा, 4000mAh की बैटरी मिलेगी और नॉच वाला जो है डिस्प्ले जो अभी के टाइम पे चल रहा है वैसा ही मिलेगा। तो गाइस, अब देखना होगा कि बजट फोन रिलीज करने के बाद भी किस तरीके से जो है LG इंडियन मार्केट में परफॉर्म करता है। तो अगली अपडेट हमें MI बैंड की तरफ से मिल जाती है। तो गाइस, MI बैंड 4 जो है वो इंडिया में काफ़ी जल्द रिलीज़ होने वाला है, क्योंकि वो चाइना और यूरोप में ऑलरेडी रिलीज़ हो चुका है। लेकिन एक बैड न्यूज़ ये है कि भाई, जो फीचर्स चाइना के MI बैंड 4 में अवेलेबल है वो इंडिया के बैंड में अवेलेबल नहीं हो सकते हैं। जैसे कि चाइना का जो MI बैंड 4 है उसमें आपको वॉइस असिस्टेंट का सपोर्ट मिलता है, NFC का सपोर्ट मिलता है, AMOLED डिस्प्ले, इस तरीके के फीचर्स आपको मिलते हैं। लेकिन ऐसा सुना जा रहा है कि भाई, जो इंडिया में MI बैंड 4 रिलीज़ होगा उसमें आपको वॉइस असिस्टेंट का सपोर्ट नहीं मिलेगा और NFC का भी सपोर्ट जो है नहीं मिलेगा, क्योंकि यूरोप में अभी पिछले हफ्ते ही रिलीज़ हुआ है और ये सारे जो फीचर्स हैं वहाँ पे रिलीज़ नहीं हुए। लाइक वॉइस असिस्टेंट और NFC नहीं दिया गया है। तो भाई, यूरोप जैसी कंट्री में MI बैंड 4 इन सब के बिना रिलीज़ हुआ है, तो इंडिया में भी फुल ऑन चांसेस है विदाउट NFC, विदाउट वॉइस असिस्टेंट के। तो गाइस, मेरा ऐसा मानना है कि अगर NFC नहीं भी होता तो चलता, लेकिन जो वॉइस असिस्टेंट लाइक गूगल असिस्टेंट वगैरह अगर हमारे बैंड में मिल जाता तो भाई कमाल हो जाता। तो अब देखना है कि किस तरीके के जो है फीचर्स हमें मिल जाएंगे। तो गाइस, एक बहुत ही बढ़िया सा अपडेट आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। तो मेरे पास जो है MI बैंड 4 काफ़ी जल्द पहुंचने वाला है और उसका मैं एक रिव्यू वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आने वाला हूं। तो MI बैंड 4 का रिव्यू देखने के लिए, मेरा ओपिनियन जानने के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, ताकि मैं आपको नोटिफाई कर सकूं जब भी मैं ये वीडियो बनाऊं। तो गाइस, फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, नीचे एक सब्सक्राइब बटन होगा उसको प्रेस करके। गाइस, अगली न्यूज़ हमें IMI नंबर्स की तरफ से मिल जाती है और ये एक गुड न्यूज़ है। तो इंडिया में जो है बहुत सारे फ़ोन जो है एक के बाद एक रिलीज़ हो रहे हैं, सस्ते फ़ोन, महंगे फ़ोन, हर तरीके के फ़ोन हमें देखने को मिल जाते हैं, लेकिन उनकी सिक्योरिटी उस तरीके की नहीं है। क्योंकि अगर आपका फ़ोन चोरी होता है या फिर गुम हो जाता है तो आपका वो फ़ोन लाइक मिलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। लेकिन अभी जो टेलीकॉम कंपनी है, इंडिया की टेलीकॉम कंपनी है, वो एक EMI अपग्रेडेशन पे काम कर रही है, जिसमें आपको जो है आपका अगर फ़ोन चोरी हो जाता है या गुम हो जाता है तो उसके मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। क्योंकि उन्होंने जो है एक ह्यूज डेटाबेस जो है वो लोग बनाने वाले हैं, जिसमें अगर आपका फ़ोन गुमता है, अगर कोई उस फ़ोन को यूज़ करता है और उसमें कोई अदर नेटवर्क की सिम डालता है, तो आपको डायरेक्टली जो है पता पड़ जाएगा कि आपका फ़ोन कहाँ पर है और पूरी लोकेशन के बारे में आपको पता पड़ जाएगा। तो इस तरीके की टेक्नोलॉजी पे जो है इंडियन टेलीकॉम कंपनी काम कर रही है और काफ़ी जल्दी जो है इस IMI नंबर पे अपग्रेड हमें मिल जाएगा। अगर आप लोगों को नहीं पता है कि भाई IMI नंबर क्या होता है, तो मैं आप लोगों को फटाफट से बता देता हूं। तो गाइस, हर एक फ़ोन का एक यूनिक ID होता है और उस यूनिक ID को ही IMI नंबर बोलते हैं। तो उसका जो है एक मेजर अपग्रेड बहुत ही जल्द हमें देखने को मिल जाएगा। अगली न्यूज़ जो है वो भी एक गुड न्यूज़ है पोको यूज़र्स के लिए है। अगर आपके पास पोको F1 है तो भाई, अब आप जो है बहुत ही जल्द एंड्रॉयड क्यू को जो है अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर सकते हैं। बहुत बड़ा मेजर अपग्रेड आने वाला है। उसके साथ साथ डार्क मोड आपको मिलेगा, वो भी MIUI 11 के ऊपर। तो भाई, ऑफिशियली जो है आपको पोको F1 में एंड्रॉयड क्यू मिलने वाला है। और अभी के टाइम पे पोको F1 का प्राइस 17,000 से 18,000 रुपीज़ है। तो अभी के टाइम पे सबसे बेस्ट बजट फ़ोन है। अगर आप लोग 20,000 के अंदर कोई भी फ़ोन खरीदना चाहते हैं तो मैं आपको पूरी तरीके से सजेस्ट करूँगा पोको F1, क्योंकि उसमें आपको स्नैपड्रैगन 845 का सपोर्ट मिलता है, फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिल जाता है और उसके साथ साथ बढ़िया सा कैमरा मिल जाता है। तो बेस्ट बजट फ़ोन अभी के टाइम पे है पोको F1 और उसमें जो है अब ऑफिशियली एंड्रॉयड क्यू का भी जो है सपोर्ट मिलने वाला है। तो अगली न्यूज़ हमें वीवो की तरफ से मिल जाती है। तो गाइस, मलेशिया में MWC 2019 चल रहा है, जिसमें बड़ी बड़ी कंपनी जो है
अपने प्रोडक्ट को शोकेस करती हैं और अपने सॉफ्टवेयर वगैरह को भी जो है वो शोकेस करती है। उसी के साथ साथ वीवो जो है पीछे नहीं हट रहा है, हमेशा की तरह उन्होंने एक और इनोवेटिव चीज़ करके दिखा दी है। तो भाई उन्होंने 128 वॉट का चार्जर बनाया है और चार्जिंग कैपेबिलिटी इस तरीके की है कि आप लोग जो है सुनेंगे जब बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाएंगे। अब आप जो है वीवो के फ़ोन को 0 से लेके 50% तक जो है सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट में चार्ज कर सकते हैं। उसके साथ साथ अगर आपको पूरा चार्ज करना है 100% तो वो सिर्फ और सिर्फ 13 मिनट में चार्ज हो जाएगा। तो इस तरीके की कैपेबिलिटी के साथ वीवो आने वाला है और उन्होंने जो है एक ऑफिशियल वीडियो भी रिलीज़ की है फास्ट फॉरवर्ड मोड में, जिसमें फ़ोन 0 से 100% सिर्फ और सिर्फ 13 मिनट में होने वाला है। तो काफ़ी जल्दी जो है ये वीवो के फ़ोन में हमें देखने को मिल जाएगा। तो गाइज़ अगर ये वीवो में आता है तो ओप्पो में भी आएगा, और अगर ओप्पो में आता है तो वन प्लस में तो आएगा ही आएगा। तो इस तरीके की जो है ये टेक्नोलॉजी हमें काफ़ी जल्दी जो है फ़ोन्स में मिलने वाली है। अगली न्यूज़ हमें वन प्लस की तरफ से मिल जाती है। तो वन प्लस जो है अपने टीवी को, स्मार्ट टीवी को इंडिया में रिलीज़ करने वाला है और उसके साथ साथ अदर कंट्रीज़ में भी रिलीज़ करेगा। ऐसा पहले भी सुना था कि भाई वन प्लस टीवी पे काम कर रहा है, लेकिन अब ऑफिशियली उनकी तरफ से ही जो है वन प्लस टीवी का अनाउंसमेंट हो चुका है। लेकिन रिलीजिंग डेट वगैरह कब है उसके बारे में नहीं पता है, लेकिन 2019 के लास्ट तक जो है टीवी को रिलीज़ कर सकते हैं। उसके साथ साथ ऐसी रूमर थी कि भाई जो टीवी होगा वो OLED डिस्प्ले में होगा, लाइक OLED डिस्प्ले में होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। 4K HDR प्लस में ही ये टीवी रिलीज़ हो, MI की टीवीज आज के टाइम पे मिल रही है, उसी की जो है उसी रेजोल्यूशन पे होगा। अब हो सकता है कि भाई जो ग्राफिक्स पिक्सल्स वगैरह वो काफ़ी अच्छे हों MI टीवी के हिसाब से, लेकिन बजट के हिसाब से कैसे क्या होगा वो जो टीवी आ जाएगा उसके बाद हमें पता पड़ेगा। अगली न्यूज़ Xiaomi इंडिया की तरफ से हमें मिल जाती है। तो गाइस Xiaomi इंडिया जो है अगले हफ्ते जो है 5 साल का हो जाएगा, लाइक 5th एनिवर्सरी अपनी Xiaomi इंडिया सेलिब्रेट करने वाला है, और MI फैंस इंडिया के अंदर जो MI फैंस हैं उनके लिए काफ़ी कमाल के सरप्राइजेस लेकर आया है। तो उन सरप्राइजेस के बारे में हम लोगों ने यहाँ वहाँ से पता करा है और मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। तो मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहला जो सरप्राइज़ है वो ऑब्वियसली बात है K20 के बारे में ही है। तो भाई K20 Pro, K20 जो है रिलीज़ होने वाला है इंडिया में, एक बजट फ्रेंडली फ़ोन काफ़ी कम प्राइस में आपको मिलेगा। उसके साथ जो दूसरा सरप्राइज़ है वो है MI का इलेक्ट्रिक शेवर, आपको जो है इलेक्ट्रिक शेवर अब मिल जाएगा। चाइना में ऑलरेडी ये रिलीज़ हुआ था, लेकिन अब इंडिया में भी जो है ये होगा, ऐसा उन्होंने ट्विटर के थ्रू जो है बताया था। तीसरा जो सरप्राइज़ होगा वो होगा डिस्काउंट, अब बहुत सारा डिस्काउंट जो है Xiaomi देने वाला है। जैसे उनके जो फ़ोन्स हैं अभी के टाइम पे पोको F1 पे बहुत बड़ा डिस्काउंट है, उसी के साथ साथ Redmi Note 7 Pro और उनकी जो TVs वगैरह हैं उस पर हमें डिस्काउंट हमें देखने को मिल जाएगा। उसके बाद अगर चौथा सरप्राइज़ की बात करूँ तो भाई MI TVs के बारे में ही होने वाला है, और अलग से वेरिएंट जो है अब वो इंडिया में रिलीज़ करने वाला है। तो जो हमें इस वीक जो होगा इनका एनिवर्सरी वीक होगा हमें पता पड़ जाएगा कि कौन से अलग अलग वेरिएंट जो है और भी रिलीज़ कर रहा है। अगला सरप्राइज़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा कमाल का है, मेरे लिए भी बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है। तो भाई Redmi Book जो है वो इंडिया में रिलीज़ हो सकता है, ऐसा हमने सुना है, ऐसी लीक हमें पता पड़ी है, क्योंकि Redmi Book जो है अभी चाइना में पिछले हफ्ते ही रिलीज़ हुआ है, एक बजट फ्रेंडली लैपटॉप है। तो इंडिया में भी इसको रिलीज़ करने के चांसेस हमें लग रहे हैं, अगर ये इंडिया में रिलीज़ होता है तो काफ़ी कमाल का होगा, क्योंकि ये जो है सेम टू सेम मैक की तरह दिखता है, लेकिन उससे भी कम, लाइक हाफ़ से भी हाफ प्राइस में आपको मिल जाएगा, वो भी अच्छी खासी स्पेसिफिकेशन के साथ। तो अब देखना होगा कि Redmi Book इंडिया में आता है या नहीं आता है, अगर आता है तो बहुत ही ज़्यादा कमाल होने वाला है। गाइस इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, आई होप आपको इस हफ्ते की टेक न्यूज़ अच्छी लगी हो। तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि आप कौन सी टेक न्यूज़ पे सबसे ज़्यादा इंटरेस्टेड है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि ऐसी टेक न्यूज़ आपको हर संडे को मैं आप तक लेकर आ सकूँ, पूरी टेक न्यूज़ के बारे में अपडेट दे सकूँ। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड पीस।